नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम मुद्दे की बात में। अब हम फिर से छतरपुर शहर की जनता के लिए मुद्दे की बात प्रोग्राम के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर चलते हैं कि क्या छतरपुर का ये जो 6 साल यूनिवर्सिटी का जो निर्माण होना था उसमें जो लेट लतीफी हो रही है, जो देरी हो रही है, इसको लेकर जनता के बीच सवाल काफ़ी आ रहे हैं। क्या क्या सवाल हैं, आइए चलते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और पूछते हैं हम जनता से। 6 साल यूनिवर्सिटी में देखिए बहुत देरी हो रही है। पिछले एक वर्ष से कहा जा रहा है कि अब चालू हो रही यूनिवर्सिटी, अब चालू हो रही, अभी तक चालू नहीं हुई है। और उसमें भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा पहुँच गया है। नियुक्तियाँ सीधे हो रही हैं, पता नहीं चल रहा किससे बिना कोई उसके एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, डायरेक्ट भर्तियाँ हो रही हैं और एक कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए और यूनिवर्सिटी हमारे हिसाब से दिवाली तक शुरू हो जाना चाहिए। इसमें देरी का कारण मूल रूप से मुझे ये समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार समय चरम सीमा पर है और प्रशासन की और शासन की जो विल पावर है उसकी कमी जो इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रशासन और शासन की विल पावर की बहुत कमी है। उनकी प्रशासनिक क्षमता पर जो है प्रश्न लग रहा है, नहीं तो जो है यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी चालू हो जाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि ये जो है ना 1 साल के अंदर चालू हो जाएगी, बहुत सुचारू रूप से चलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पूरे शहर के लोग बरसों से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसे लग रहा है कि इंतजार ही रह जाएगा। 3 साल यूनिवर्सिटी जो बनना थी समय से, जो बच्चों को लाभ मिलना था, यहाँ की पब्लिक को रोज़गार मिलना था, आज तक सपने देख रहे लोग, यहाँ के नेता, यहाँ जो अधिकारी आते हैं बंदर बांट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, यहाँ के हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता, हज़ारों बच्चों का भविष्य यहाँ से बदलता, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। यूनिवर्सिटी में इसलिए देरी हो रही, सबसे बड़ी बात जो पैसा आ रहा है उसका समझ में नहीं आ रहा कि नेता और जो अभी यहाँ के वो हैं उनने भी अभी इतनी नियुक्तियाँ की थी उसमें घोटाला हुआ था, तो फिर समझ में आया कि इन्हें विरोध किया था ललिता मैडम ने, तो उनका रातों रात ट्रांसफर हो गया। मगर ये तो बहुत ही जो हम लोग सोच रहे थे नए यंगर्स के यहाँ अपना यूनिवर्सिटी आएगी तो हमें जॉब मिलेगा, मगर कोई हमें ये नहीं लग रहा कि यहाँ के सब रीवा के भर्ती हुए हैं, यहाँ का कोई भी एक बंदा नहीं मिल सकता। इसके लिए ऊपर से जो प्रशासन है नीतियाँ जिम्मेदार हैं, प्रशासन को चाहिए और मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसमें अतिशीघ्र एक्शन लें और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी जांच कराई जाए और किस कारण से यूनिवर्सिटी का काम रुका हुआ है उसको तेज़ी से शुरू कराया जाए। ये नदी थोड़ी है, बोलो नहीं होना चाहिए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। टिप्पणी के ये कहना चाहेंगे जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर छतरपुर के लिए जो सौगात है उसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है और ऐसा जल्द से जल्द जो है चाहूँगा यूनिवर्सिटी का काम जल्दी से जल्दी और शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। यहाँ के नेताओं को ऐसा बहुत ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए और ये बच्चों के भविष्य के लिए अति आवश्यक है कि जितने मतलब बिल्डिंग रुकी हुई है काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी कार्य इसका पूरा होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, रिजल्ट सही समय से नहीं आ पाता, पढ़ाई सही समय से उनकी नहीं हो पाती और जो नियुक्तियाँ भी हमारे यहाँ हो रही हैं इनमें भी धांधली हो रही है। सिटी का है यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी ही उपलब्धि है जो छतरपुर को मिली है, लेकिन जिस दृष्टि से यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, ना यहाँ पे कोई पढ़ाने की फैकल्टी अवेलेबल है, ना कोई इनका व्यक्तिगत स्टाफ है, ना उसका निर्माण कार्य हो रहा है। बोले बताया जा रहा है कि जमीन का अधिग्रहण हो चुका है लेकिन आज तक उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया। इसे जल्द होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मीडिया में पढ़ा था कि कुछ फंड वहाँ से रिलीव नहीं हो पा रहा है यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी ने मांग की थी चांसलर द्वारा, वैसे राज्य शासन द्वारा भी सब नहीं कराया गया। यूनिवर्सिटी बड़ी ज़रूरत है यहाँ बच्चों के भविष्य को देखते हुए, होना चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि लड़के जो है बाहर पढ़ने जाते हैं वो यहीं क्यों ना पढ़े अपनी यूनिवर्सिटी में, है ना, अन्य जगह जाना पड़ता है। अगर अपने यहाँ यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा लड़कों को। बिल्डिंग का निर्माण जल्दी होना चाहिए ताकि जो शहर के युवा हैं उनको पढ़ाई के लिए अवसर यहाँ पर मिले। जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बन के तैयार होनी चाहिए जिससे अपने आसपास के जो ज़िले हैं टीकमगढ़ पन्ना और महोबा साइड के छात्र आके यहाँ पर पढ़ें जिससे यहाँ पे पढ़ाई का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चों का विकास होगा और देश की तरक्की होगी और जिले की तरक्की होगी और बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आएंगे और उनका भविष्य मिलेगा। आज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से छतरपुर शहर की जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गए कि क्या छतरपुर में जो 6 साल यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हो रहा है इसमें जो लेट लतीफी हो रही है, जो देरी हो रही है, इस पर जनता के सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या क्या सवाल हैं, तमाम प्रकार की बातें जिस प्रोग्राम के माध्यम से जनता के बीच रहकर निकल कर सामने आई। हमारे प्रोग्राम देखते रहिए, हम रोजाना आपके लिए नए मुद्दों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे और आपको हमारे इस चैनल पेप्टिक में दिखाते रहेंगे।